इस भ्रांति को पाल पाल कर आज तक संसार में परिभ्रमण किया है। ये गुरुदेव का वैभव हमें उस आत्मा के अनंत वैभव का दर्शन कराने वाला है, जिसके दर्शन से हमारी अनादिकालीन भ्रांति इस 15 दिन में क्या एक समय में जाने लगे। अपना ही अनुभव कर रहा है, उसे स्वीकार रहा है, अनुभव नहीं कर रहा, वो तो कर ही रहा है, हम अनुभव का अनुभव क्या करेंगे, उसे स्वीकार रहा है। और लीजिए प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव ने ग्रंथ का प्रारंभ परमात्मा के प्रकाश से किया है, देव दीप्ति, देव स्वरूप का प्रकाश, देव प्रकाशित हो रहा है अपने अंदर, परमात्मा दैदीप्यमान हो रहा है इस नाशवान देवी। और क्या संयोग है, जहां है संयोग में व्यवहार से खुद विनाशी है और खुद परमात्मा अविनाशी है। यही विविधता है, और इसे क्या कहेंगे, नहीं भूलता है, छोड़ देता है, अगले भाव में दूसरा, अगले भाव में दूसरा, छोड़ता जाता है। ये प्रकृति है कि ये अविनाशी नहीं हुआ, एक ही अविनाशी है जो मैं, बाकी सारा का सारा जगत असत, विनाशी और नाशी, बस जो अविनाशी है वही परमात्मा है, वही देव है, और वो मैं हूं, मैं हूं, मैं इस अविनाशी सत्ता का अपना ठिकाना बनाया, इस शाश्वत सत्ता को अपना आश्रय बनाए और इस ग्रंथ को प्रारंभ करें। ये बेस न्यू है, इसलिए अब भूल जाएं कि मेरा कोई नाम है, मेरा कोई घर है, मेरा कोई परिवार है, मेरा कोई ठिकाना है, मेरा कोई घर है, ये सब कुछ नहीं। जब एक समय की पर्याय मेरी नहीं है तो ये दुनिया अपनी कैसे हो जाएगी। जिस देह को व्यवहार से आश्रय बना रखा है इस आत्मा ने, ये देह इस आत्मा की नहीं है तो और संयोग कैसे होंगे। अरे इस शरीर पर पैदा होने वाली ये रोम, ये शरीर के नहीं है, आपके शरीर में पैदा होने वाले बाल रोम, ये शरीर के नहीं है, रोम शरीर से भिन्न है। ऐसे ही शरीर और सारे संयोग मेरी आत्मा से त्रिकाल है, उस प्रकाशमान परमात्मा का दर्शन दीप्ति दीप्ति कम दृष्टि, जो प्रकाशित हो रहा है उस पर दृष्टि रखनी है, उसी को देखना है। और ये सूत्र ख्याल रखिए, पलट तेरा ध्यान उनके घर में, मंगल पकड़ इस इतने के ध्यान में, और दूसरे से नहीं कहना है, दूसरे से नहीं कहना, अपने आप को बीच बीच निर्देश करते रहना, क्योंकि ये पलटता है, वो भी वही जहां वहां जाता है, इसी तरह अपने हम प्रारंभ कर रहे हैं देव दीप्ति गाथा से। और लीजिए नोबेल महोर जी ग्रंथ पहली भूलना देव दीप्ति गाथा, 17 गाथाएं हैं, आनंद लेंगे, श्रवण करेंगे, भाव में डूबेंगे और नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद की जो आराधना, अपने परम देव स्वरूप का ध्यान और अनुभव गुरुदेव ने किया था उसका आनंद हम भी लेंगे। देव देवी
আমার পৌঁছি। পঞ্চনন্দ আনন্দ ये मेरा सजूत
I'm